ए टी एम आना मम्मी, ATM फिर यहां आ जाओ, आ ना मम्मी, यानी ATM आना मम्मी। कैसे चलोगे बोलो, यहां से शुरू करना फिर आगे बढ़ते जाना, ATM आना मम्मी। कैसे शुरू कर रहे हो बोलो, ATM आ ना मम्मी। अब इसका अर्थ देखो, आना का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, और ना का क्या मतलब है, नागालैंड। मम्मी एम ए से क्या है, मनी मिजोरम, ये सेवन स्टेट्स के नाम है, ATM आना मम्मी। और ये क्या है, ए से क्या होगा आसाम, एफ टी से क्या होगा त्रिपुरा, और ATM ये क्या है मेघालय, तो मेघालय ये सिस्टर स्टेट में नहीं आता, इसका नाम है सिक्किम। ठीक है, सप्त भगिनियां तो पढ़ा होगा एट में, तो यही सात बहने हैं कि नहीं। अब इसके अलावा जो यहां पे आ जाएगा वो क्या है, क्या ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से और आगे इधर चलोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, दैट इज बिहार। बिहार और ये सब तो आपको पता ही है सर, हो गए। अब देखो वेस्ट बंगाल के नीचे लिखो ओडिशा, इसे क्या लिखेंगे ओडिशा, ओडिशा के नीचे क्या होगा, आंध्र प्रदेश, तो उड़ीसा होता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के दो टुकड़े करो, आंध्र प्रदेश में क्या लिखोगे बोलो, एक ऊपर लिखोगे तेलंगाना, तुम्हारे उसमें तो टुकड़ा है ना आंध्र प्रदेश का, दो तो लिखो तेलंगाना, और तेलंगाना के नीचे क्या लिखोगे आंध्र प्रदेश, जहां मैं समझ में हमसे पूछो। सर ये गुजरात के साइड में क्या है, ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, देखो राइट साइड का, राइट साइड उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उसमें धामी है, पुष्कर धामी वहाँ के मुख्यमंत्री है। क्या गलत लिखा है किधर, या तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का नाम ही बीच में, राजस्थान गुजरात मध्य प्रदेश महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड छत्तीसगढ़ ओडिशा और आंध्र प्रदेश तेलंगाना, ये ना ये तेलंगाना क्रॉस करके पीछे बिना देखे लिखो, वो हमें जमा करो, जो लिखा है उसे क्रॉस कर लो, फिर मैं याद कल मैं जमा कर दूंगा, कल मैम पेपर लेने आएंगे ना, तुम लोग को इनाम दे दो, इनाम आज ही जा रहे, मतलब सर कल तो सर आप नहीं आएंगे ना, कोई बात नहीं हम आ जाएंगे भाई, तो किस चीज का इनाम, जो भी तुम्हारी कॉपी चेक हो, कल आप नहीं आएंगे तो आज आ जाएंगे, इतना खास दिन है पापा, हम क्यों नहीं आएंगे, ये बहुत स्पेशल डे है आज, कौन से बर्थडे, ये तुम लोगों का टोकन ऑफ लव, हमारी तरफ से शुभकामनाएं।
चलो ओके इतना लिखा पूरा, अगले पेज से कट करके अगले पेज पे लिखो। प्राइस तो सब अलग अलग है, उतना तो कोई नहीं देता ना, हमारी तरफ से इच्छा ठीक है, उसे कट कर दिया पुराना, मैं इसमें बता दें ये यूपी पंजाब और कल के टेस्ट में एक ब्लैंक मैप भी आएगा, आप लोगों को भरना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स में, यही मैप देंगे सर, मैप आएगा उसमें, ऐसा मैप देंगे जिसमें डॉट भी होगा, राजधानी भी, एट वाले में राजधानी नहीं है लेकिन आप लोगों में विद कैपिटल होगी, जहां डॉट बनाओगा उसमें सबकी राजधानी लिखना। उत्तरांचल, चलो क्योंकि वो हिम हिम आंचल में वो भी है, हिम यानी बर्फ की छाया में, और ये उत्तर भी है लेकिन आंचल में है, हिम वैली इन द वैली। आपके फोन कॉल क्लियर नहीं दिख रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा तो उसको भी लगा देंगे, क्या चीज नहीं दिख रहा, अब हो गया, सो पहले चलो वो थोड़ा सा फोकस भी होगा, ये दिखता है क्या, चलिए बात नहीं करो, दैट इज मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो बताइए ये तो हमने पढ़ लिया, नाउ डी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, थैंक यू।
अगर मान लीजिए आज मोदी है, कल राहुल है, परसों अखिलेश है, उसके बाद तेज प्रताप यादव है, तो क्या उनको कुछ भी पता होगा देश के बारे में? और पुतिन 25 साल से रह रहे हैं रशिया में, तो उन्हें तो सब पता होगा। सो लीडर्स कीप चेंजिंग, सो दे आर अनअवेयर ऑफ द करंट सिनेरियो ऑफ कंट्री, देश में क्या चल रहा है, हमारे किसके साथ कैसे संबंध है। मान लो हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध है, नया प्रधानमंत्री बन गया, वो तो खट से एक स्टेटमेंट दे देगा और ईरान से हमारे जो 25 साल के संबंध है सारे खराब हो जाएंगे, बस एक नहीं। सो लीडर्स कीप चेंजिंग, सो दे आर अनअवेयर ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिचुएशन ऑफ कंट्री, में वो इतनी जल्दी कहाँ जान पाएंगे। तो इसलिए पहली ये बहुत बड़ी कमी है डेमोक्रेसी की, लीडर्स कीप चेंजिंग, और कोई 5 साल बाद आया उसे क्या मालूम होगा अभी क्या चल रहा है भारत में। सो दे आर अनअवेयर ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी, हमारी विदेश नीति क्या है इससे वे लगभग अनजान रहते हैं। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पावर प्ले, तो ये हमेशा शक्ति का प्रदर्शन मात्र है, एंड कंपटीशन। सो लॉट ऑफ मनी इज वेस्टेड ड्यूरिंग इलेक्शन कंपेन, चुनाव प्रचार में बहुत पैसा खर्च होता है। सो लॉट ऑफ मनी गेट वेस्टेड ड्यूरिंग इलेक्शन में ही नहीं, इलेक्शन कंपेन में ही नहीं खर्च होता, ऑल्सो इन कंडक्टिंग इलेक्शन। ना बोलो, तो फिर ना सिर्फ इलेक्शन कंपेन, कंपेन का मतलब समझते हो चुनाव प्रचार नहीं नहीं, एंड कंडक्टिंग इलेक्शन। शक्ति प्रदर्शन, एंड समटाइम्स दिस पावर प्ले गेट फाउल, कई बार तो इतना गलत हो जाता है, सम पॉलिटिकल पार्टीज यूज रॉन्ग मेथड टू विन इलेक्शन, डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, डर्टी डील्स यूज करते हैं, नहीं मेक्सिको करते हैं, इंडिया में भी कभी कंबल बांट रहे हैं, कभी दारू बांट रहे हैं, तो कभी 500 का नोट, ये सब सही है। सम पार्टीज use wrong practices to win election, this is it. Democracy leads to corruption, इसमें क्या होता है, जो एक बार पावर में आ गया वो करप्शन भी कर सकता है, कौन देखने जा रहा है, उसके पास शक्ति है। डेमोक्रेसी leads to corruption, तो इससे भ्रष्टाचार फैलता है। अगर मयंक बन गया कल को एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बैंक को कहूं लो भाई ये 50,000 करोड़ है पुल बनाओ, तो 25,000 करोड़ तो इनकी जेबी में चला जाए, पुल बने टूटे कौन देख रहा है इनको, है ना, इनको पैसों से खेलने लग जाए। तो अब इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। इलेक्टेड लीडर्स सम टाइम मे बी बायस्ड, दे मे डू वेलफेयर ऑफ वन सेक्शन वन सोसाइटी, दे मे हैव डिसीजंस व्हिच कैन बेनिफिट ओनली वन सेक्शन, जैसे फ्रांस में हो रहा था, फ्रांस में हो रहा है। अभी चलो अच्छे लीडर है मोदी जी, लेकिन अगर मोदी जी चाहे तो वो हिंदुओं का ही करने लग जाए, तो दूसरे सेक्शन कहेंगे ये कैसे लीडर है, हमारा देख नहीं है, अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन करने लग जाए तो। इलेक्टेड लीडर में टेक डिसीजन, ठीक है, फॉर वेलफेयर ऑफ
वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच डिसीजंस में, उससे क्या होगा, ब्रेक द कंट्री, देश टूट जाएगा। इलेक्टेड लीडर्स समटाइम्स, तो सर इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन हमें नहीं लगता कि सर प्राइम मिनिस्टर को भी सबको इक्वली देखा जाए, देखते हैं, मान लो जैसे वो ऐसे करें, वो दिखा के नहीं करेंगे, कहेंगे हम उत्तराखंड के लिए कर रहे हैं, वही वही का करें जहाँ ज्यादा हिंदू लोग रहते हैं, तो ऐसे में वही ज्यादा बेनिफिट होंगे। या ऐसे सेक्शन या ऐसे शहरों को छोड़ दें, हैदराबाद को छोड़ ही दें, चार मीनार इन सब पर कुछ ना करें, राम मंदिर में बहुत सोना जलवा, ऐसा कर नहीं सकते, धर्म के आधार पर किया नहीं जा सकता, संविधान पकड़ लेगा, एक आदमी पिटीशन डाल देगा, उतर जाएंगे प्रधानमंत्री पद से। लेकिन अगर करते हैं तो है ना, कई बार चोरी छिपे भी होती है, जिसके पास पैसा कुछ भी कर ले, कहते हम तो देश की संस्कृति बढ़ा रहे हैं, ऐसा। सो द पॉलिटिकल पार्टीज टेक मे टेक बैड डिसीजन, ऐसा बहुतों ने किया। राहुल गांधी के पहले इनके पिता ने कह दिया कि हमारे देश की जो संपत्ति होगी, वक्फ बोर्ड जिस पे हाथ रख दे वो जमीन उसकी, उसने सुप्रीम कोर्ट पे एक दिन हाथ रख दिया, बोला सुप्रीम कोर्ट मेरा आज तक उसी का, सुप्रीम कोर्ट लड़ रहा है वक्फ बोर्ड, मुस्लिम वक्फ बोर्ड का, वो अगर किसी की जमीन पे हाथ रख दे, इतना नहीं भारत की एक तिहाई जमीन उसकी है, 1/3, इतना गलत है। कुछ नहीं, मुस्लिमों का एक है, सारे कब्रिस्तान उसके, सारी मस्जिदें उसकी, रेलवे की बहुत संपत्ति ले ली, सुप्रीम कोर्ट ले लिया, कई हाई कोर्ट ले, जहां हाथ रख रहा था, क्योंकि ये जो कांग्रेस पार्टी थी मुस्लिम परस्त थी, उसने ऐसे ऐसे नियम बना डाले देश में कि जिसने वक्फ बोर्ड या बाहर से जो लोग थी ना, बाहरी शक्तियां, अरब से इसको 50,000 करोड़ रुपए मिलते थे कि तुम हमारी पॉलिसी चलाओ, जो डीप स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है जो भारत का बुरा चाहती है, वरना राहुल गांधी को क्या है, वो इंग्लैंड में जाके भारत की बुराई करें, वो कहते 1,000 करोड़ रुपए लो जाओ वहां पर बैठ करके, तुम मैनचेस्टर में या ऑक्सफोर्ड में बुराई प्रो करते हैं, उनके काम में पैसा आ रहा है। केजरीवाल क्यों ले रहे हैं खालिस्तानी आतंकवादियों से पैसा, वो वहां पर बोल रहा है पन्नू कि मुझसे 138 करोड़ रुपए लिया और जितना हम चाहते थे उतनी भारत की बर्बादी भी नहीं, मुझे धोखा दिया बोला हम इनको देख लेंगे मरवा डालेंगे, वो उसको क्या मरवाओगे, वो तो खुद ही मर रहा है डायबिटीज का मरीज है। तो वहां से उसने कनाडा से दिया कि मुझसे 138 करोड़ लिया है और भारत की पर्याप्त बर्बादी नहीं हुई, ऐसा होता है। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट दे आर प्लेइंग इन हैंड्स ऑफ, समझ में आया, मस्जिदों को चंदा मुक्त कर दिया और मंदिरों से चंदा लिया, कौन देख रहा, तुम तो बोल रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, किया गया राष्ट्रपति से, इंदिरा गांधी ने कहा निकलो जल्दी टॉवल पहन के निकलो साइन करो, इमरजेंसी लगानी है देश में, सुबह 4 बजे गई जाके साइन करा गया, सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, अटल बिहारी को भी जेल में डाल दिया, 2000 नेताओं, सिर्फ अटल बिहारी ने वहां रामलीला मैदान में क्या कहा था, इंदिरा गांधी जी जो कर रही है वो भ्रष्टाचार तरीके से कर रही है, ठीक नहीं कर रही, अच्छा हमको बोलोगे, विपक्षी पार्टी तो बोलेगी, अगले ही दिन सबको जेल में डाल दिया, जितने लोग थे सबको बुला बुला के स्टरिलाइजेशन, नसबंदी, छोटे छोटे 14-14 साल के बच्चों को, मयंक और निखिल जैसे बच्चों की नसबंदी करा ली, अब ये शादी करें तो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, और उसमें भी नसबंदी का मतलब परमानेंटली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को काट दिया, और हर पुलिस वाले को बोला तुमको डेली 100 लोगों को लाना है और मुस्लिम को ना लाना, एक भी मुस्लिम की नसबंदी नहीं कराई गई और सब हिंदू और इनकी कराई गई, तुमको मालूम नहीं 75 में क्या क्या हुआ, कहां था कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने लिख दिया कॉन्स्टिट्यूशन इज सस्पेंडेड टिल आई ऑर्डर, जब तक मैं ना कहूं संविधान कुछ नहीं है और सब लोग अपनी जमीन दो, राइट टू प्रॉपर्टी पहले था 75 में खत्म कर दिया, सबकी जमीन अपनी ले ली, जयपुर के यहाँ बुलडोजर चलवा दिया राजमहल में और वहां से नेशनल हाईवे बंद कर दिया, 7 दिन तक ट्रकों में सोना लद के दिल्ली आया, फिर कहां चला गया मालूम नहीं, सिर्फ गलती क्या थी, संजय गांधी ने वहां जयपुर की राजधानी के कंधे पे हाथ रख के ऐसे कर लिया, जयपुर की रानी ने बोल दिया व्हाट बास्टर्ड व्हाट यू आर डूइंग, अच्छा हमको बास्टर्ड बोल दिया, फोन किया बुलडोजर लाओ इनका पूरा महल गिराओ सब सोना लूटो, तो वो ऐसे ही उनका परिवार ही ऐसा था, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ था, अच्छी चीज है क्या ये, आपने देखा तो क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं,
संजय गांधी ने सिर्फ अपनी माँ को एक थप्पड़ ही मारा था पब्लिक में, अगले दिन उनको हेलीकॉप्टर क्रैश करा दिया अंग्रेज ने, हेलीकॉप्टर क्रैश में मरवा दिया अपने बेटे को। इंदिरा गांधी ने अपने बेटे को ही नहीं मरवाया, एक बार उनके पति ने पब्लिकली इंदिरा गांधी जी को डांट दिया था, फिरोज गांधी को मरवा दिया। इंदिरा गांधी के पति फिरोज खान नाम से आज भी आधा पाकिस्तान डरता है। हाँ, तो समझ में आ गया, बेटे को मरवा दिया, पति को मरवा दिया, सब कुछ बहुत घपले से हुआ। 122 रैलियों में सोनिया गांधी अपने पति के साथ रही, 123 में अपने पति के साथ नहीं थी। और सोनिया गांधी ने अपने पति, वो डांसर थी सोनिया गांधी इटली की, उन्होंने उसी रैली में राजीव गांधी ब्लास्ट हो गए मर गए। हालत बहुत बुरी है। प्रियंका गांधी के पति का नाम जानते हो? रॉबर्ट वाड्रा, उनकी बेटी है प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी की बेटी कौन है? प्रियंका गांधी के पति हैं, उनके भाई मर चुके हैं, उनके पिता मर चुके हैं, उनकी दोनों बहनें मर चुकी, सबको मरवा दिया गया, जो बोल नहीं रहे हैं। क्या क्या कहाँ चल रहा है किसी को क्या पता। सो पॉलिटिकल इलेक्टेड गवर्नमेंट मे टेक बैड डिसीजंस। और इतनी सारी जमीनें हैं, इनके नाम से 200 अलग अलग फार्म हाउस और प्रॉपर्टी हैं, कौन देखा है? अब देखा जाने वाला है इस चुनाव के बाद, जिन्होंने देश को लूटा, वरना देश में इतना पैसा था, इन्होंने 200 लाख करोड़ लूट के स्विट्जरलैंड भेज रहे हैं, वहाँ स्विस बैंक है, तुम क्या करोगे? अरे खाओगे सोना, खाओगे क्या? खा लिया, अब तो बंद करो, अब तो देश पे करो, लूटे ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी दूसरों के हाथ में खेल रहा है। दीज आर पपेट्स ऑफ फॉरेन, ये किसके कठपुतली हो गए? अभी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, जिसने इनको पैसा दिया वो इनको खिला रहा है। तुमने इनका मैनिफेस्टो नहीं देखा कांग्रेस का? उसमें जो फोटोज दी है, कोई न्यूयॉर्क की है तो कोई कनाडा की है, हम ऐसी नदी बनाएंगे, तुम्हें क्या जरूरत है भारत की नदियों की? भारत के फोटो नहीं है क्या? तो जिसने जो जो छाप के दिया वही इनका, इनका मैनिफेस्टो उधार का है, सब कुछ उधार का है। इससे तो देश नहीं चल सकता कि हम अगर जीत गए तो ये करेंगे, ऐसी नदी बनाएंगे। और जो नदी का चित्र है वो वहाँ, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बगल की नदी, अरे तुम वहाँ की क्या बनाओगे? भारत की बनाओ क्या? भारत में इतनी अच्छी अच्छी देहरादून के बगल नदी है, कावेरी नदी वेरी, वहां से सारे चित्र वहां से उठा रहे हैं, यूएसए से, इंग्लैंड से। पता चलता है मैनिफेस्टो भी बाहर से छप के आया। तो दीज आर प्लेइंग इन हैंड ऑफ, कहां साइन कर रहे हैं राहुल गांधी एमओयू? दैट इज वो चाइना में जाके साइन करना है कि हम तुमको राज देंगे, सीक्रेट देंगे। क्या तुमने परसों की न्यूज नहीं सुनी कि राहुल गांधी ने कहा कि मेरा आना जाना था पीएम हाउस में, पीएमओ हाउस में, वहां के सारे सीक्रेट डील वो दूसरे देश को दे दो, उससे कितने पैसे मिलते हैं? तुमको सिर्फ बताना है कि भारत में कहां कहां न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, वहां से देखा, फोटो में खींचा, बता दिया, लाओ 2000 करोड़। तुम्हारा तो आना जाना है, तुम कोई भी फाइल देख सकते हो। अब चाइना को पता चल गया, वो अब जब युद्ध होगा वो वहीं पर बम डालेगा, या फिर देश शिफ्ट करे न्यूक्लियर प्लांट। सर राहुल गांधी को जेल में होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है इनको एक दिन की जेल होती है तो देश में इनका पूरा सिस्टम है, इको सिस्टम, वो सड़कों पे उतर देते हैं, स्टेशन जलाते हैं सर, वो फिर पैसे दिया जाता है। क्योंकि राहुल गांधी ने अगर 200 लाख करोड़ लिए हैं तो 1 लाख करोड़ लोगों को खिला खिला के गुंडे भी तो पाले हैं, वो बहुत उदार दिल के व्यक्ति हैं, उन्होंने 1 लाख करोड़ खिलाया। अब अगर वो जेल में गए तो जिनको मुफ्त में खाने को मिल रहा था वो सड़कों पे उतर कर बस नहीं चलाएंगे। तो इसलिए एक अच्छा नेता भी उनको जेल में डालने से डरता है, क्योंकि जो देश में अराजक तत्व, पहले उनके अराजक तत्वों को जेल में डाला जाए, जब वो खत्म हो जाए तब राहुल गांधी को दे, उल्टा चलना पड़ेगा, सिंपली नहीं किया जा सकता ना। ये देखो 1775 वो आप ये कह सकते हो ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी, इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ आप यहाँ देखिए, वॉट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये देख लीजिए। तो ये देखिए वाराणसी में एक बहुत अच्छा, इंडिया के पास पैसा बहुत था, लेकिन आपने अभी थर्ड पॉइंट क्या देखा, क्या इज इट लीड्स टू करप्शन? तो हमारे यहाँ जो थोरियम के बहुत भंडार थे, 2 रुपए किलो सब रेत बोल दिया, ये रेत है, बेच दिया गया चाइना, थोरियम के भंडार थे। हम आज न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए फ्यूल ऑस्ट्रेलिया से लिया, हमारे यहाँ बहुत भंडार है, लेकिन ये अगर कोई दूसरे के हाथ में खेलेगा तो उसी के लिए क्यों निकाल करेगा?
वो भारत के लिए क्यों करेगा? सर जस्टिन ने लिखा है अगली बार 405 वो जो भी हो बार और इसके बाद सर प्रदीमन और जस्टिन बात कर रहे हैं। मेरा मेरा कहने का मतलब है कि गलत लोगों के हाथ में सत्ता चली जाएगी ना तो फिर क्या होता है, देश का बहुत नुकसान होता है। ये चीज वो 400 पार और 200 पार उससे लेना देना नहीं, लेकिन ये जो दूसरों गलत आदमी नहीं आना चाहिए। ऐसे लोग हैं जैसे केजरीवाल भी तो आते ही चोरी करने लगते हैं, इसको नहीं पता नहीं। अब देखिए सो दैट इज नाउ इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ, संपत्ति ले ली गई और क्या, तुम्हारे घर से बोल दिया ठीक है आज तुम लोग वो शिफ्ट हो जाओ, वो झोपड़ी बनी है चलो जमीन दो, क्या रह गया तुम्हारा अधिकार? बोले वो फंडामेंटल राइट, बोले राइट टू प्रॉपर्टी, बोले वो तो एबॉलिश कर दिया था, वो कल ही रात को हमारा एबॉलिश हो गया दो जमीन। तो सर वो केस नहीं करते, अरे इमरजेंसी में तुम्हारे कोई फंडामेंटल राइट है, बोलने तक का नहीं राइट है। सर किस चीज का इमरजेंसी? इमरजेंसी उन्होंने कहा बोलो, अब हार गई थी रायबरेली से, अपना ही चुनाव हार गई, बोले अभी इमरजेंसी है, ये कोई बात हुई? तुम हार गए हटो, दूसरा आएगा, बोली अब हम हार गए अब इमरजेंसी है देश में, ऐसे रख दी इमरजेंसी। अब फिर बोले इमरजेंसी किस बात की, बोले किसी का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, तुम्हें बोलने का राइट है। अच्छा तुमने इंदिरा गांधी के खिलाफ बोला? हाँ बोला, राइट टू इक्वालिटी। अच्छा वो तो कल ही हमें अबॉलिश कर दिया, फखरुद्दीन अहमद से साइन करवा लिया, कहाँ के चलो अंदर जेल में बैठो ना, बोल राइट टू एक्सप्रेशन बंद कर दिया। क्यों तुमने एक्सप्रेस किया? तुम्हारा कोई राइट टू एक्सप्रेशन नहीं है। जयपुर की रानी राइट टू प्रॉपर्टी है, कोई राइट टू नहीं, चलो ट्रक में लोड करो सब पैसा। राइट टू प्रॉपर्टी खत्म, राइट टू इक्वालिटी खत्म, राइट टू फ्रीडम खत्म, नसबंदी कराओ घर में बैठो, शादी करने की जरूरत नहीं। जब सब कुछ हो जाएगा तो आदमी अपने के बारे में सोचेगा कि क्या, हर चीज हो गई मैं टेक, तो वो क्या कर सकता है बताओ? बैड डिसीजन, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? व्हाट आर द फोर डिफरेंट डिमेरिट्स? तो इस तरीके से डेमोक्रेसी इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ऑल प्रॉब्लम। कोई सोचे डेमोक्रेसी आ गई देश उन्नति की राह पर है तो आप गलती पर, हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी इसका फायदा उठा सकें। नाउ एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ओके नाउ बुक में देखो कौन कौन से कार्टून्स हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स निकालिए बुक में। सर एक सीरिया का है, सब पहले इराक, पहला वाला देखो, सबसे पहला चित्र जी, पहला चित्र देखो, व्हाट इज डेमोक्रेसी बाय डेमोक्रेसी निकाला नहीं, तो है ही नहीं सर, ये पुरानी बुक के नई बुक के हिसाब से तो पहला पे इराक का है जिसमें मिलिट्री, ओके ये वाला है ना, तो इसमें क्या दिखाया गया है देखो, डेमोक्रेसी में तुम देख रहे हो ये इन्होंने पकड़ ली बात, इन्होंने कहा डेमोक्रेसी में एम मैकडॉनल्ड से मिलता जुलता, देखो मैं अंकल सबसे पहले बोला बोला ये इराक की कैसी डेमोक्रेसी है, इराक सुनो इधर देखिए, इराक में अमेरिका ने आक्रमण कर दिया, क्यों आक्रमण कर दिया, क्योंकि इराक इतना बड़ा, ये देखो ये गल्फ कंट्रीज के बीच में क्या है इराक, ये उसका कुवैत है, कुवैत एक देश था, और ये यहाँ पर कौन है बोलो, दैट इज अमेरिका। तो अमेरिका कुवैत क्या करता था, अमेरिका को अपना सारा ऑयल देता था, क्या करता था ऑयल देता था, तो कुवैत उसके बदले थोड़ा बहुत पैसा देता था, अमेरिका कहता था तुमको कोई कुछ कर नहीं सकता था, हमारा हाथ तुम पर है, समझ में आ गया। एक बार इराक में सद्दाम हुसैन थे, कौन थे सद्दाम हुसैन के बारे में तुम लोगों को शायद ये बात मालूम होगी कि उन्होंने अपना एक ड्रॉप ब्लड दे दिया था टेस्ट ट्यूब में, ट्यूब होता है ना कांच की ट्यूब, और उससे उसको डेवलप करके 10 सद्दाम हुसैन बनाए गए,
यानी इस तुमने कभी डॉली सुना है, क्लोनिंग मतलब तुम्हारा एक बाल तोड़ के हम चुपचाप ले जाए, हम 10 देवांश की रचना कर सकते हैं। हम कहें तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं, ये देवांश ने बाल कटाए, अब बनाएंगे देवांश। ये इलीगल है, लेकिन सद्दाम हुसैन ने 10 सद्दाम हुसैन पैदा किया जहां पर भी। सो एकदम सेम थे, सेम क्लोन सेम ही होता है। तो हिटलर ने भी किया था, अब हिटलर का भी है, हिटलर ने भी भेजा था, वो बोस के सामने नकली हिटलर भेजा था। कहानी आपके ठीक है, बोस ने समझ लिया वो बात अलग है। यहाँ देखो, इराक का तानाशाह कौन था, इवन वो सोने के कमोड पर बैठ कर टॉयलेट कर कौन था ये कब पता चला, अभी तुमको यहाँ पर दिखाएंगे ना, जब उसका महल तोड़ा गया तब पता चला इसका सोने का क्या क्या है। पूरा महल सोने का था, ये तानाशाह था, इसने कुवैत पे आक्रमण किया किसी चीज को लेके, इनके बीच कंफ्लिक्ट चल रहा था, कुवैत के शेयर बन रहा था, हम तो अमेरिका हमारे साथ है, तो अमेरिका ने इस पर ऐसा आक्रमण किया इराक पे, बिल्डिंग तोड़ दी, बम ही बम बरसा दी, और फिर इनको बोला इराकियों से, तुम वहां की जनता के बारे में सोचो कैसी होगी वहां की जनता, क्या वो आंदोलनकारी है कि नहीं है, नहीं। कभी नहीं, जो तानाशाह के अंडर में रहा है वो कभी आंदोलनकारी होगा। हम लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, खून सीने पे गोलियां खाई हैं, अब हमें कोई गुलाम बना के देखे बना सकेगा, क्योंकि हमें ये मालूम हमारे पूर्वजों ने खाई तो हम भी खा लेंगे, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा इतिहास है नहीं है। तो सद्दाम हुसैन को उन लोगों ने हटाया, किसने हटाया बताओ, अमेरिका ने, किसने हटाया, अमेरिका, और फिर यूएसए ने हटा के बोला अब तुम डेमोक्रेटिक हो, ये लो थाली में तुम्हें डेमोक्रेसी पेश है, तुम ऐसे तुम पहले भी कोई विरोध नहीं करते थे, पहले सद्दाम हुसैन था और फिर अमेरिका आ गया, बोला तुम डेमोक्रेटिक हो, तो बोला पूछेंगे डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे होते हैं, ऐसे उन्हें मालूम ही नहीं है। तो अब उस डेमोक्रेसी के नाम पे अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स खोलने लगा, अमेरिकी एजेंसी शेल जो वहाँ की पेट्रोल अपनी सारी कंपनियां खोलने लगा, उसने पूरा उसका अमेरिकीकरण कर दिया। एम तो मिलिट्री है ना, एम का मतलब मैकडॉनल्ड्स नहीं मिल रहा, देखो मिलिट्री क्या लेना देना तुमको, मिलिट्री, अरे ठीक है तुम समझो, पहले चीजें पढ़ लेना बात, अभी तुम समझो यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि इफ समबडी, ड्राइंग ये दिखा रही है कि जब इलेक्शंस हुए थे इराक में और यूएस के मिलिट्री के प्रेजेंस में हुए थे, यूएस की मिलिट्री के प्रेजेंस में, कार्टून क्या बताता है, कार्टून में हमेशा एक फनी चीज होती है, कार्टून सीरियस नहीं होते कभी, कार्टून का मतलब होता है कि अमेरिका तुम्हारे यहाँ डेमोक्रेसी ला रहा, इफ यू आर गेटिंग योर डेमोक्रेसी एंड योर राइट्स बाय सम अदर कंट्री, तो जैसे कोई बोले निष्ठा से तुम्हारी ये मैथ की बुक साइंस के आगे क्यों रखी है, चलो उसे पीछे रखो, बीच में बॉक्स रखो, बोले नहीं मेरा बैग है, तुमसे क्या लेना देना है, हम आगे हम बीच में रखेंगे, बोलो बॉक्स टेढ़ी किताब रखेंगे, चलो ये सुवरेनिटी है इनकी। अगर मान लो कोई हमसे कहे तुमसे गए वो तुम्हारे देश में, वो यूपी को बंगाल की तरफ शिफ्ट करो, ये सब क्या उल्टा पुल्टा बना, अरे मेरा देश हम कहीं रखें यूपी को, बात समझाएगी नहीं, संप्रभु सो अवर रेन सोवरेनिटी, हमारे देश का शासन है, सो अवर रेनिटी, यू कैन नॉट इंटरफियर इन अवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर, यू आर नो वन, सही बात है कि नहीं। तो इस तरीके से सोवरेनिटी, इराक को किसने बनाया डेमोक्रेटिक, ये कौन होता है होने वाला, हमारी मर्जी, हमारा राजा था, हम हटाएंगे तो डेमोक्रेसी आएगी, और बाहर वाला लाएगा तो कल को वो किसी को बैठा कर जाएगा, वही अत्याचार करने लगेगा, क्या वो सद्दाम हुसैन से कम होगा क्या, क्योंकि सब तो सोए हुए हैं, फिर से लूटो उनको, उन्होंने कभी गोली खाई नहीं सीने पे, लड़ने के लिए कभी निकले ही नहीं, तो होगा क्या, बात समझ आ गई कि नहीं, जो डिमांड करता है वही पाता है। आज ईरान की औरतों ने डिमांड किया सड़क पर उतनी कि हम हिजाब जला देंगे, तो हिजाब का मतलब उनका एक भी शरीर की उंगली दिख गई तो काट दी जाएगी, हवा से भी उड़ जाए तो काट दिया जाएगा, ये था रईसी का ऐलान कि हम अब यहाँ पर पूरी तरीके से इस्लामिक शासन लागू करेंगे, अब एक औरत की बाल एक निकल गई गलती से हवा में तो उसका सर काट दिया, बोले ऐसे बाहर निकल जाए तो सर काट दोगे, औरतें निकल पड़ी सड़कों पर, बोले बहुत अत्याचार हो गया, हम इतनी पढ़ी लिखी हैं, कोई पीएचडी है कोई कुछ है, और तुम जरा जरा सी बात पैसे कर रहे हो, निकल पड़ी आज एंजॉय कर रही, रईसी गया नहीं कि उनके बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं, अरे क्या दिखाने, कोई पुराने जमाने की तरह थोड़ी है, सबके पास एजुकेशनल राइट्स है ना, जो लड़ेगा वो मजा पाएगा,
देखना थोड़े दिनों में ईरान की औरतों को उनके अधिकार होंगे, वो ड्राइविंग करेंगी, वोटिंग करेंगी, इवन वो डॉक्टरी करेंगी, घर पे नहीं रख सकते, इंजीनियरिंग करेंगी, पढ़ेंगी, और दूसरे देश की मुस्लिम औरतें वहीं रह जाएंगी। जिसने लड़ा नहीं उसने पाया नहीं, जो लड़ेगा। तुम्हें क्यों डेमोक्रेटिक राइट्स है? क्योंकि तुम्हारे परदादा ने गोली खाई, न पाई होती तो आज भी उल्टे पुल्टे लोग करते कि नहीं करते। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? इराक के युद्ध के बारे में तुम क्या देख रहे हो बुक में? बोलो, एज इट इज एक्सपोर्टेड फ्रॉम, किसके द्वारा एक्सपोर्ट हुई है? डेमोक्रेसी इज एक्सपोर्टेड बाय यूएसए, इट इज नॉट ए डेमोक्रेसी इन ट्रू सेंस। बोलो, बात समझ आ गई? तो जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पर इधर देखो, थोड़ी सी चीज आपको बता दें फिर आगे बढ़े। सो देखिए, इराक में सद्दाम हुसैन की मूर्ति का गिराया जाना, ये तो हमारे सामने की बात है सर, बहुत पीछे 1990 में हुआ। ये देख लो कहीं ये लिखा हुआ कि ये सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी, तो सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी, सद्दाम हुसैन की लाश कोई ले गया, सो दैट इज फॉलिंग ऑफ स्टैचू, दिखाना फॉलिंग ऑफ स्टैचू ऑफ सद्दाम हुसैन। ये सद्दाम हुसैन उसका महल भी दिखाते हैं तुमको, ये देखो दिखाएगा तो दिखाएगा कैसे गिरा। ये देखो गिरी मूर्ति, सद्दाम हुसैन के महल की शान और शौकत, वो तुम्हारे लिए लड़ेगी क्या? हैं? कुवैत ने कहा इसको बोला, फिर इसने इसको बोला, ऐसा नहीं चलता। यू हैव टू फाइट फॉर योर सुवरेनिटी, तुम्हें अपनी संप्रभुता के लिए लड़ना, कोई और लड़ने नहीं आए। अगर ये तुम्हारे लिए लड़ेगी तो कल ये तुम्हारे बैग पे कब्जा जमाएगी, छुटकारा तो दिला देगी, हमने तुम्हारा बैग छुड़ा है, लाओ जरा बैग। सो नोबडी कैन फाइट फॉर द राइट ऑफ समबडी इन इराक। व्हाट हैपेंस, स्टिल अमेरिका इज रूलिंग, कौन रूल कर रहा है? तो अगली चीज देखिए, सीरिया। भाई सीरिया को तुम लोगों ने देखा नहीं? सीरिया घूमने जाना चाहते हो तो सीरिया में जब तुम एंट्री करोगे ना, बोलेगा यहाँ लिखो कि मैं मुस्लिम धर्म स्वीकार करता हूँ। भाई घूमने गए कि हम धर्म स्वीकार करने गए? सीरिया में घूमने लिखा है, वहां घुसते ही तुमसे सब कर देंगे, और जहां जहां ना मस्जिद होगी वहां तुम्हें झुकना है। हम तो कभी झुके नहीं भगवान के सामने, तुम हमें वहां झुकाओ? नो, इफ यू हैव टू एंटर तुमको बुर्का पहनना पड़ेगा, लेडीज हो आदमी हो तो टोपी लगानी पड़ेगी। ये कोई बात है? टूरिस्ट के ऊपर तुम सब लागू करोगे? अगले पेज पे पढ़ो, ये समझो वहां का गेट पास है, जब तुम सब ये लागू होगे तब सीरिया में घुस पाओ। वापस चले जाओ फिर अपने आ करो, लेकिन जब तक वहां रहोगे वहां अजान में ऐसे करोगे वैसे करोगे, हम क्यों करें किसी का? हम तुम्हारे देश के कल्चर को देखने आए हैं, पैसा खर्च करेंगे देखेंगे, लेकिन नहीं जाने देंगे। या फिर वो मैं कोई राइट नहीं है ना सीरिया में, कुछ राइट नहीं है, जीरो कोई राइट नहीं, बहुत बेकार देश है। उसमें कौन थे अश्कर या कौन उसका नेता था, वो बेकार है। सीरिया अगर जाओगे खंडहर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक समय में इसकी राजधानी दमिश्क थी, इतना सुंदर शहर था, और उन्होंने इसको पूरा बियाबान बना दिया, मतलब बिल्कुल उजाड़ के रख दिया। बोले हम लोग किसी बिल्डिंग को, कल्चर को, इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं, सब तोड़ फाड़ कर रख दिया, नहीं तो कितने लोग जाते थे। ऐसा ज़्यादा पहले की बात नहीं है, हमारे समय के भी मतलब 1980 की बात है, 1980 में बहुत अच्छा शहर था, लेकिन लोगों ने इसके इस्लामीकरण के चक्कर में सारी बिल्डिंग, इवन अफगानिस्तान में कांधार है, कांधार को कांधार नाम दिया गया, लेकिन वो गंधार देश था, और गंधार की गांधारी थी जो कि हस्तिनापुर के राजा जो थे ना, वो दुर्योधन के पिता कौन थे, धृतराष्ट्र की पत्नी थी, जो आंख में पट्टी नहीं बांधी रहती थी, उनकी पत्नी थी कौन, गंधारी, गंधारी अफगानिस्तान की थी। देख लो ये बहुत अच्छी बात कह दी,
इन्होंने कहा कि शकुनी के 100 भाई थे और धृतराष्ट्र ने सब, बहुत बड़ी बात कही है, और धृतराष्ट्र ने बोला ये 100 लोगों को जेल कर दी गंधारी के पूरे परिवार, बोलो एक आदमी का खाना मिलेगा, 100 भाइयों को जेल की, सब लोगों ने कहा हम थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो मर जाएंगे, सबने शकुनी को खिलाया, बोला तुम ही जिंदा रहो हम तो मर जाएंगे लेकिन बदला जरूर लेना। उस मामा ने दुर्योधन से पूरा बदला ले लिया, उनके 100 भाइयों को मरवाया, जिंदा रह गया लास्ट में उनके परिवार ने, 100 आदमी पे एक आदमी का खाना दिया जाता था, सर उन्हें कुएं में रख दिया, बात समझ आ गई। तो शकुनी जिंदा रह गया और लेकिन वो बड़े प्यार से कहता था मेरे प्रिय भांजे वो दुर्योधन, और बोल बोल के उसने उससे बदला लिया, पूरे परिवार को मरवा डाला। बहुत अच्छी कहानी मैंने बताई, खैर वो जो भी हो लेकिन तुम्हें सीरिया का पता चला अगला अलाहाबाद पार्टी का रूल चलता है, अलाहाबाद हो या जो भी है इट इज सो स्ट्रिक्ट। ऐसे अगर तुमने वहां कहेंगे कि जरा कलमा पढ़ो इस्लाम का, और तुमने पढ़ा कलमा और तुम जरा सा हिचकिचा गए कलमे पढ़ने में, जरा से कहेंगे खट से गर्दन उड़ा दे, इसका मतलब तुम्हें कलमे नहीं याद है, गर्दन रस्ते में सिर्फ तुमसे वो वर्स पढ़वाएंगे कि जरा अल सूरा पढ़ो अल निशा पढ़ो, और अल निशा पढ़ने में जरा सी गलती कर दी तुमने गया गलत, या वो भी ये देखेंगे कि क्या तुम्हारा पीनस छिला हुआ है कि नहीं, तुम शिया हो कि सुन्नी है, कट्टर हो यानी तुम्हारे जननांग अगर तुम फीमेल हो तो वजाइना सिली होनी चाहिए धागे से, तुमको यूरिनेट करने में ड्रिपिंग हो ड्रिप कर गए जो तुम्हारा पति होगा वो खोलेगा, वो कितनी औरतें वहाँ कितनी वैसी हैं, उनका क्या होता है वो उनमें कुछ होता है कि एक तरीके से क्लिटोरिस खतना होता है स्त्रियों का, सुन्नत और खतना होता है वो कराते हैं, मतलब बहुत कट्टर लोग हैं ऐसे लोग, सुन्नी लोग होते हैं ना मुस्लिम है, बॉडी को अल्टर कर देते हैं और वो जिनको अल्टर करते हैं उनको यूरिनेट करने में बहुत बर्निंग सेंसेशन होता है, लेकिन औरतों को वो एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, ऐसा सीरिया की बात बता रहा हूँ। तो अगर वो सब नहीं है तो मैं तुम्हारा खतना नहीं औरतों का, वो अभी वो कौन सी थी जो अभी उसके उसको क्या कर रहे थे बचपन में 5 साल की अवस्था में काट देते हैं क्लिटोरिस, क्लिटोरिस काट देने पे फिर अगर उसको कोई प्लेजर नहीं होता उस औरत को, तो एक क्लिटोरिस है उनके मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट को कट कर देंगे, फिर वो उस औरत को इस्तेमाल करते रहो उसे कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या होता है। तो एक वहाँ की जो ब्यूटी क्वीन है वर्ल्ड की ब्लैक कलर की थी कहाँ की अफ्रीका की, तो वो भाग गई, बोली नहीं नहीं हम ऐसे नहीं कटवाएंगे, और भागने के बाद वो भागती भागती कहाँ पहुँच गई नीदरलैंड, उसके पीछे मुल्ला पहुँच गए, बोले एक औरत भागी है जिसने अपना खतना नहीं करवाया, ढूंढो पूरे विश्व में वो कहाँ गई है नहीं करवा रही, उसने देखा उसकी माँ बाप किस जलालत से गुजर रहे हैं, तो उसको वहां पर उसको एक बिजनेसमैन ने उस लड़की से शादी करी, दैट इज नोरा, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा ठीक है कि नहीं। तो वहां पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि इसको क्या करना है, फतवा जारी कर दिया इस औरत को जो मारेगा उसको 10 लाख दीनार दिए जाएंगे, लेकिन वो शान से जी उसने कभी खतना नहीं करवाया, बहुत सारे अटैक भी हुए उसमें जिंदा रह गई और वो विश्व सुंदरी बनी। क्या नाम है अभी याद आ जाएगा थोड़ी देर में आ जाएगा, नोरा करके है कुछ ना, समझ आया कि नहीं, तो दैट इज बता देंगे थोड़ी देर में तुमको बता, समझ आए जिसने खतना नहीं कराया इसी में पता चल जाएगा, तो आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये लोग बहुत कट्टर लोग हैं सीरिया के लोग, तो जीने नहीं देते, और तुम सीरिया में चले जाओगे आज बड़ी सीरिया चले जाओ या अफगानिस्तान, तुमको वहाँ बड़ी बड़ी अच्छी सुंदर बिल्डिंग नहीं मिलेंगी, और हर बिल्डिंग के सामने एक लोहे की सरिया पे लटकी हुई उल्टी लाशें अवश्य उल्टी हमेशा, ये लगभग शहर में तुम्हें लाशें लटकी हुई मिलेंगी, सीरिया में, सीरिया में अभी अफगानिस्तान में जरा जरा सी बात पे ऐसा कर देगा, इज इट गुड, क्या ये डेमोक्रेसी है? तो आप समझिए ब्यूरोक्रेसी मोनार्की का भी ये सबसे गंदा रूप है, नहीं तुम ये तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो भारत में रह रहे हो, तुमसे कोई पूछ ले अच्छा गीता का पहला श्लोक सुनाओ जरा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु मामी भी प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, नहीं सुना पाए या तुमसे पूछा जाएगा किस धर्म के हो वो श्लोक सुनाओ, अरे कह दो हम आई एम नॉट एसेटिक मैं धार्मिक हुई ही नहीं, अच्छा कटी गए ये चीज होती है, तुम सोचो कैसे वहाँ लोग जीते हो, वो पूछेंगे तुम्हें सुनाना पड़ेगा नहीं सुना पाए तुम्हें। अब आगे देखो अगले चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, वहाँ पे आज तक किसी ने कोई रिवॉल्व करने का ट्राई भी नहीं किया,
नहीं, जिसने रिवोल्ट किया उन्होंने शक्ति ले लिया, वो सबको काट रहे हैं बंदूक ले। आप जब YouTube में देखो तो पता चलेगा कि डेमोक्रेसी कैसे कैसे तार तार हो गई। बहुत लोगों को अभी भी लड़ रहे हैं। वो जो मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन सुना रहा हूँ वो कई सुनी बातें, यूरोप आगे आ गया है। यूरोप ने इन पर ये सोचा, मैं बता रहा हूँ, ये लोग सोचे कि कैसे इनको इस्लामी लोग बड़ा अत्याचार कर रहे हैं फिलिस्तीनियों पर। जॉर्डन ने को कितना अत्याचार हो रहा है फिलिस्तीन पर, इसराइल कर रहा है। फिलिस्तीनी जानते हो, इसराइल और फिलिस्तीन में वार है। फिलिस्तीनी मुस्लिम है और इसराइल कौन है, अंग्रेज। तो फिलिस्तीनियों को जॉर्डन ने रख लिया। जॉर्डन के बारे में तुमको बताया, मोहम्मद शाह के सीधे वंशज हैं वो लोग। मोहम्मद शाह मोहम्मद मतलब इनका मोहम्मद कौन है, पैगंबर मोहम्मद ना, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद के वो लोग कौन है, डायनेस्टिक है। तो इन्होंने जॉर्डन में जाकर वो शरण ले रहा फिलिस्तीनी, तुम बहुत वो उन्होंने वहां के उस वंशज को ही मार डाला जिसको शरण दी गई। एक तो तुम किसी को शरण दो, असाइलम, इसको क्या कहते हैं, असाइलम का मतलब शरणार्थी। तो जो आए शुरू शुरू में बोले कि तुमने बहुत अच्छा किया और फिर वो वहां शेर बन गए, जिन मुस्लिम लोगों को इन्होंने शरण दी ना और शेर बन गए, वहां के लोगों को दबाने लगे जॉर्डन के, और एक दिन उन्होंने वहां के राष्ट्रपति को ही मारा, भगा दिया। फिर किसी कोई फिलिस्तीनी को आज तक शरण ही नहीं देता, बोले लोग ऐसा। पाकिस्तान ने दी थी, अंततः पाकिस्तान के ऐसे गले पड़े कि पाकिस्तान को 20,000 सेना भेजनी पड़ी फिलिस्तीनियों को खदेड़ने के। तो फिलिस्तीनी पे लोग बोलते सब हैं कि हम फिलिस्तीनियों के साथ हैं, लेकिन सब जानते हैं कि कैसे लोग हैं, ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं। लेकिन जो बगावत करे, तुम्हारा एहसान फरामोशी करे, कोई साथ देगा? आज पूरा यूरोपियन कंट्रीज, वो लोग शुरू में बोले थे हम बहुत ओपन हार्टेड हैं, हम इस्लामिक शरणार्थियों को, क्योंकि उन्हें इस्लाम इस्लाम पे अत्याचार कर रहे हैं। अभी तुमको बताया नहीं, इस्लाम में भी 72 फिरके हैं, अलग अलग वंश, उनको शरण दी। आज वो लोग वहां पर क्रिश्चियन के बच्चों को मार रहे हैं। यूरोप पूरा संकट में आ गया। तो कुछ भी हो, अभी आपको सीरिया का एक उदाहरण दिखाया गया है कि सीरिया में क्या हो रहा है। क्या वहां किसी हिंदू को मारा जा रहा है क्या? तो मुस्लिम ही मुस्लिम को मारा जो सिलातन मुस्लिम। अगला देखो, हम डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगले में तुम क्या देख रहे हो? क्या तुमको लगा ये डेमोक्रेसी की एलिगरी है, जिसमें डेमोक्रेसी दिखाया गया इस कार्टून में दिखाया गया बिल्डिंग डेमोक्रेसी, बड़ी बड़ी पोर्टलियों में पैसा रखा है और कह रहे हैं हम, राहुल गांधी मान लो 200 लाख करोड़ जीत लें, गवर्नर कहते हम देखो डेमोक्रेसी बिल्ड कर रहे हैं, नोटों के अशर्फियों से डेमोक्रेसी बिल्ड कर रहे हैं। क्या अशर्फियों से डेमोक्रेसी बिल्ड होती है? अशर्फी रखते जैसे ऐसा नहीं होता, स्नो से कुछ लोग बनाते नहीं है, मनाली नाली जाकर के स्नो से स्नोमैन बनाते हैं, वैसे तुम सोचो हम बिल्डिंग डेमोक्रेसी अशर्फियों से बना पाएगा? तो ये सब दिस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, अगला चित्र देखिए क्या दिखाया जाता है, फिर से देखिए, इट इज अबाउट फिर से इराकी, इराक में फिर आ जाओ, क्या दिखाया जा रहा है, एट लास्ट वन मैन वन मोर वोट, आई लाइक इट बेटर व्हेन आई वाज द वन मैन एंड वन वोट। तो यहाँ पर बाद में क्या दिखा, इसको पूरा पढ़ो, द कार्टून इज अबाउट द इराकी इलेक्शन हेल्ड आफ्टर सद्दाम हुसैन रिजाइन वाज ओवरथ्रोन। इराकी इलेक्शन कब के हैं, जब वहां पे सद्दाम हुसैन की गिरा दी गई, उसे मार दिया गया, तब इलेक्शन हुए। और क्या सभी लोगों को वोट देने दिया गया? सद्दाम हुसैन के सामने में तो कोई वोट ही नहीं दे सकता था, वो तो तानाशाह था। तो वहां लोग खुश हो रहे हैं कि देखो अमेरिका ने हमको वन मैन वन वोट दिलवाया है। लेकिन वो कितने दिन चलेगा, जब कोई तुम पे रूल कर रहा है, तुम डेमोक्रेटिक हो तो फायदा नहीं उठाएगा क्या? उतनी दूर से तुम्हारे लिए कौन लड़ने आएगा बताओ? जिसको कुछ फायदा होगा वही तो लड़ेगा, हो सकता है वो तुम्हारे तेल के कुएं ले जाए, कुछ तो मतलब होगा ना, अपनी सेना कौन भेजेगा? अब देखिए, सो कंपेयर द मैसेज ऑफ कार्टून विद द फर्स्ट कार्टून ऑफ शटर, इसको कंपेयर करो। फर्स्ट कार्टून ने क्या दिखाया, मैकडॉनल्ड दिखाया था कि नहीं? Yes, sir. और दूसरे में इसे कंपेयर करो, तो इसमें दिखा रहे हैं कि सद्दाम हुसैन अंदर जेल में बंद है, बोला इससे अच्छा तो मेरा ही शासन था, क्योंकि मैं ही वन मैन था और मेरा ही वोट चलता था। वो जेल में पीछे सद्दाम हुसैन बंद है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ये वन मैन वन वोट, हर एक को एक वोट। ये लोग ये कह रहे हैं हर एक को एक वोट, और सद्दाम हुसैन क्या कह रहा है कि मेरा शासन ज्यादा बढ़िया था, मेरे में मैं ही वन मैन था और मैं ही वोट करता था। समझ में आ गई बात की नहीं? ठीक है, तो ये दिखा गया। ये देखो बिल्डिंग डेमोक्रेसी,
पूरी पोटलियां रखी उनमें पैसा भरा हुआ, ये भी कोई डेमोक्रेसी है अगर करप्शन हो? सीरिया की हालत सोच के लगता है कि सर इंडिया की हालत तो बहुत अच्छी है। इंडिया इज इस समय ट्रू सेंस ऑफ डेमोक्रेसी, और हम लोग इंजॉय करते हैं जब हम किसी बुद्धिस्ट के साथ घूमते हैं, मुस्लिम के साथ, कि हमारे देश में कितनी डाइवर्सिटी है और सब कितने प्यार से रहते हैं। बात समझ आई कि नहीं? ये एक इंजॉयमेंट की बात होती है कि हम लोग कितने डाइवर्स हैं। कोई फ्रॉक पहन रहा है तो कोई क्या पहन रहा है। क्या आपको अच्छा नहीं लगता जब गुजरात में जाके ठेपला फाफड़ा खाती हो? अच्छा तो लगेगा कि नहीं लगेगा? भाई हम हर देश के रिच कल्चर में, हमसे रिचेस्ट कल्चर किसका होगा? किसी का? वहाँ हनुमान चालीसा बोली जा रही है, अजान बोला जा रहा है, वहाँ जैन की यात्रा निकलनी, इससे ज्यादा रिच कल्चर। वी आर द डीपेस्ट फिलोसोफर, हमने जीवन को बहुत गहराई से देखा। लेकिन लड़ने लगते, अगर लड़ने लगते तो पॉलिटिक्स है ना, पॉलिटिक्स लड़ाती है। लेकिन अगर सही पॉलिटिक्स हो तो क्या इनमें लड़ाई हो? क्योंकि हम लोग डीप सेंस में डेमोक्रेटिक हैं, हमारे अंदर समन्वयन की भावना है। बाहर से लोग आते हैं, हमारे यहाँ ही आके फारस के लोग, मैंने कभी तुमको बताया था कि ईरान के लोग यहाँ बसे हैं 5,000 लोग, हमारे यहाँ ही 10,000 इसराइल के लोग, यहूदी भी हमारे यहाँ बसे हैं। पूरी दुनिया में ज्यूस को जब कौन मार रहा था हिटलर, उन्होंने यहाँ शरण ली। ईरान में पारसियों को कौन मार रहे थे मुस्लिम, उन्होंने यहाँ शरण ली। विश्व की सबसे पहली मस्जिद कहाँ बनी? भारत में। हमने सब कुछ हमने एक्सेप्ट किया है दुनिया के सारे आइलैंड को, और अच्छे से रखा था। इंडिया में अभी ज्यूस अभी भी है, और वो मानते हैं इसराइल आज दे आर वेरी थैंकफुल टू इंडिया। पारसी तो सिर्फ हमारे यहाँ ही बचे हैं, कोई रख नहीं पाता आइलैंड को, लोग मार डालते हैं। जहाँ 28% मुस्लिम थे पाकिस्तान में, आज 3% बचे हैं। जो 3% बचे हैं उनकी भी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली गई, जमीन ले ली गई है, रोज वहाँ पर सारे मंदिर में किसी में भी। सर तो बचा कौन है पाकिस्तान? 3% लोग हैं, बाकी सब वहाँ पर शिया और सुन्नी है। सुन लीजिए, 40% शिया है और 60% कौन है? तुम्हें ये मालूम होना चाहिए मोहम्मद अली जन्ना शिया थे, तो उनको जब उनका अंतिम संस्कार हुआ सुन्नी मेथड से। शिया कहते नहीं, हम खतना नहीं कराएंगे, सुन्नत नहीं कराएंगे, हम अपने प्राइवेट पार्ट को छिलवाएंगे नहीं और सिलवाएंगे नहीं, उन्होंने मना कर दिया। तो सुन्नी लोग बोलते ये गलत है, हमारे पैगंबर का प्रॉफिट का मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें कराना होगा। और अभी 1.5 साल पहले सारे सुन्नी वहाँ निकल के आ गए, बोले शिया शिया काफिर शिया, जितने शिया मिल रहे थे उनको सर रस्ते में काटते आगे बढ़ रहे। वो कह रहे हैं कि अब हमने तो 25% हिंदुओं को मार दिया है, अब बचा ही नहीं है कोई मारने के लिए, अब हम शिया को मारने चले। वैसे कब तक खाली बैठे रहेंगे? तलवार में जंग लग रहा, वो शिया को मार रहे। शिया क्या करते हैं? शिया का मतलब है, शिया कहते हैं जो नेचुरल बॉडी हमें दी है भगवान ने, हम वही रखेंगे। हम अपने पीनस को छिलवाएं क्यों और वजाइना को सिलवाएं क्यों? हम आराम से ईशू करेंगे। हम बर्निंग सेंसेशन क्यों लें भाई? वहां पर पस जमा हो, गंदगी हो, ये सब अच्छी चीज है क्या? जो भगवान ने हमको दिया है वो सही है कि नहीं? और लेकिन जो सुन्नी है, जो कट्टर हैं, नो शिया शिया काफिर शिया। कहीं अभी तुमको चित्र दिखा दें तो तुम सीहर उठो। इट इज सो वैसा, ये मजाक बना के रख दिया। जो कट्टरवादी देश है ना, दिस इज वीडियो ऑफ करो है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है? लिबर्टी बहुत कीमती चीज है इंसान के। तुमको बोलो तुम्हें रिलीजन दे रहे, लो ये कुरान लो ये गीता लो, बैठो इस कमरे में जंजीर बांध लें, तुम्हें अच्छा लगेगा? आजादी बहुत बड़ी, पक्षी लोग कितने आ जा रहे हैं, इंसान को क्यों बेड़ियों में रखना? ये देखो अगला पेज क्या दिखाया गया है, देखो ये चाइना है। चाइना में नीचे क्या लिखा है बताओ? याहू गूगल सिस्को सब वहां बैन है। वहां पर सिस्को एक कंपनी है, दैट इज किसी भी तरीके का सर्च इंजन है। ध्यान दीजिए, चाइना में सब सर्च इंजन बैन है। चाइना की सरकार, क्या मैंने तुम्हें बताया है कि वहाँ के एक गांव में बिजली नहीं आ रही थी? बता दिया ना, बिजली नहीं आ रही थी तो वहाँ सबको मार दिया, ये बताया? इवन बिजली नहीं आ रही थी, वहाँ के कुछ गांव के लोग प्रोटेस्ट करने गए कि हमारे बिजली नहीं आ रही, इतने दिन से पानी बोला, एक आदमी आओ यहाँ ग्रुप में नहीं आना है, यहाँ पर शी जिनपिंग की सरकार है, ये म्यूटिनी करने आए, क्या विद्रोह करने? विद्रोह नहीं कर सकते। अगले ही दिन वहां बूढ़े बच्चों औरतों सबको मार डाला 800 लोग। तो ये चीज है वहां पर, तुम्हें अगर गूगल और याहू सर्च करना है तो ऊपर वहां पर टैंक के अंदर से, मतलब यू कैन नॉट सर्च, तुम्हारे ऊपर कितने सारे पहरे लगे हुए हैं, यू कैन नॉट नो। अगर वहां पर जो
कोरोना फैला, वो कोरोना के वायरस को पाल रहा था कि हम ले जाके यूएस में फैला देंगे, और वहीं बस्ट कर गया, ठीक है कि नहीं। वुहान शहर में, किस शहर में? वुहान शहर में। तो वुहान शहर में जब बस्ट कर गया तो वहाँ लाखों लोगों को जिसको कोरोना का ट्रेस भी हो रहा था उसको पकड़ में जिप में बंद करके जला दे जिंदा। और ऐसा वहाँ की एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड की जो हवा में प्रेजेंस थी उससे पता चला 20 लाख लोगों को जलाया गया। और दुनिया ने खबर भी नहीं पड़ी, वो कह रहा, और दुनिया को क्या बता रहा, हमारे यहाँ कुछ हुआ नहीं, हाँ 12 लोग जरूर मरे हैं, पता ऐसे रहा, क्योंकि वहाँ गूगल है ही नहीं, सब तो बहन कर रहा है, पता ही नहीं चलता चीन में हो क्या रहा, सारी दुनिया में यही नहीं पता चलता कि हो क्या रहा। समझ में आ गई बात कि नहीं? नो न्यूज ऑफ चाइना इज न्यूज ऑफ वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड की न्यूज है। जब तुम कोरोना की घड़ी देखोगे तो उसमें सारे 193 देश है, 193 चाइना नो न्यूज के हैं। कोरोना क्लॉक देख लें सर, पूरे कोरोना काल में उन्होंने सिर्फ एक चीज बताया कि हमारे यहाँ से 12 लोग मरे, 12 लोग नहीं, वो डे टू डे बेसिस पे जो था 12 10 ऐसे 12 नहीं, तो उन्होंने माना कि 2500-3000 मरे हैं, लेकिन 2500-3000 थोड़ी ना है, वो अपनी मौत खुद मरेगा, ना वर्ल्ड उसको मदद करेगा ना कुछ करेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ के लोग ही जो है विरोध करने लगे। अब जरा देखिए, तो ये तुमने देख लिया कि चाइना में डेमोक्रेसी का क्या हाल है। मैं बता रहा हूँ 30% वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है, और उसमें से 20% इंडिया की पॉपुलेशन, 140 करोड़, 14 करोड़ ले लो यूएस के। सर इसने बंद क्यों कर दिया? सर बंद का मतलब यू, तो चाइना जब भी कोई डेमोक्रेसी होती है उसने वहाँ के सारे उइगर मुस्लिम की सारी, अभी तुम्हें पता है द लास्ट मॉस्क इन चाइना जो ढहा दी गई, वो वीडियो नहीं देखा, उसने सारी मॉस्क और सारे उइगर मुस्लिमों का सर वो करके सबको हाथ पीछे करके वो एक कंटेनर में डाल दिया, जो इतना बड़ा कंटेनर थी। बुद्ध की मूर्ति भी तोड़ दी गई, वो तो अफगानिस्तान में थी, वाहियान की मूर्ति थी वो, तो भाई मुस्लिम दूसरे धर्म को नहीं मानते हैं, तो वहाँ पे उनमें क्या है कि मूर्ति तोड़ो, बुद्ध परस्ती को नहीं मानते, तो उन्होंने, और जबकि वो इतनी अच्छी मूर्ति थी, उससे उनको रेवेन्यू मिलता था, दुनिया के लोग जाते थे देखने, आज है ही नहीं अफगानिस्तान में, कुछ कोई जा ही नहीं रहा। जब तुम्हारे यहाँ कोई कल्चरल वैल्यू भी नहीं है और तुम वहाँ बंदूक से क्या क्या कर लोगे, अफगानिस्तान में वही सब था, अफीम था और बुद्ध की मूर्ति थी, वो भी तोड़ डाली, अब वहाँ कोई भी उनको, अब भारत सिर्फ ग्रेच्युटी देता है, फ्री में अनाज इसलिए देता है कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से दबाया जा सके, नहीं तो कोई अफगानिस्तान का सुनने वाला नहीं है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो कल्चरल वैल्यू बहुत बड़ी होती है भारत में, काशी में, अयोध्या में, बाहर से लोग आ रहे हैं दर्शन करने। जब मैं अयोध्या गया था, मलेशिया के, इंडोनेशिया के लोग आए, तो क्या वहाँ उससे पैसे नहीं आ रहे हैं? तुम अपने देश के जो कल्चर को ही ख़त्म कर दो, कुछ होगा क्या? सीरिया ने सारा कल्चर ख़त्म कर दिया, उसका पूरा टूरिज्म बुला हो गया, उड़ा दो सारे, कौन देखने आ रहा है, तुम्हारा ही नुकसान होगा। नहीं, पर्यटन तो कितनी बड़ी चीज़, यहाँ क्या दिखाया गया है कि चाइना में देयर इज नो डेमोक्रेसी, नो न्यूज, कोई न्यूज पता ही नहीं चलता वहाँ का, कौन सा अखबार है बताइए, चाइनीज न्यूज पेपर, तो उसमें जो चाइनीज न्यूज पेपर का जो नाम है उसमें वही जो छापते हैं वही छपती, समझ आया ना? अब हम ज्यादा नहीं दिखाएंगे, इतना देखना दिखाएंगे जो लास्ट मास्क इन चाइना, उइगर मुसलमानों की हालत देख लो चाइना में क्या है, और पाकिस्तान फिर भी उसका साथ दे रहा है, चाइना तो मेरा दोस्त, क्योंकि वहां से उसको भीख मिलती है, नहीं तो इतने लोगों को मार दिया करना। अब वो ये दिखा रहा कश्मीर के मुस्लिम की चिंता है, अब वहाँ मारे जाने की चिंता नहीं है, यहाँ तो सबका वेलफेयर हो रहा है, पीओके में बल्कि और गड़बड़ हो रही है, नहीं वहाँ तो कोई साधन नहीं है। आप ये देख लीजिए, लास्ट मॉस्क डिमोलिश्ड इन चाइना, ये भी न्यूज लीक हो गई, नहीं तो ये भी ना लीक होती, ठीक है। ये देखो चीन में तोड़ी गई आखिरी मस्जिद, और अब चीन से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी खबर आई, जिनपिंग से ऑर्डर देश को बोल नहीं रहे, चाइना ऑनलाइन मस्जिद भी तोड़ दी गई, चीन की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक है शादियान की ग्रैंड मस्जिद, बहुत अच्छा, कोई देश बोल ही नहीं रहा, चला दिया चीन ने सिर्फ एक प्रांत, देखो कैसे बना दिया उस मस्जिद को, कैसे अमेंड कर दिया, ऐसे बुलडोजर चला दिया, ये कोई मस्जिद है? लेकिन भारतीय मुसलमानों के नाम पर दुष्प्रचार करने वाले कुछ मुस्लिम देश सख्त निंदा को दूर चीन पर एक बयान तक नहीं दे पाए, यही तो चीन का सदाबहार दोस्त पाकिस्तान भी सब कुछ देख कर भी गूंगा बन गया। कोई बात नहीं, आप सिर्फ ये देखो चीन की सरकार का डिक्टेटर डिस्कस्ट, तो जो डिक्टेटर होता है क्या वो लोगों को, लोगों का हत्यारा होता है?
क्या तुम ऐसा सोचते हो ईरान के रईसी भी डिक्टेटर थे और क्या वो बूचर ऑफ तेहरान थे, उन्होंने भी मारा होगा कोई मतलब ईरान के प्रेसिडेंट जिनके अभी हेलीकॉप्टर क्रैश में हत्या हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं इसराइल ने मरवाया, कुछ लोग कह रहे हैं यूएसए ने, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपने बगल के देश में जहां गए थे उज़्बेकिस्तान में किसका नहर का बांध का डैम का उद्घाटन करने उसी ने मरवा दिया। कुछ लोग एक्सीडेंट बोल रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट भी बोला, तीन जो हेलीकॉप्टर थे उन्हीं का क्यों एक्सीडेंट हुआ, तीन तीन थे है ना। तो आप समझ गए डिक्टेटरशिप का बैड चेहरा, ओके देखा आपने। अगला देखो ये छह कार्टून क्या बताते हैं, वी वोटर्स आर एंग्री एंड वर नॉट गोइंग टू टेक इट मोर। तो यहाँ दिखाया जा रहा है द लिबरल्स हैव बीन एरोगेंट। तो लिबरल जानते हो जिनको अधिकार चाहिए और देश से कुछ लेना देना नहीं, एरोगेंट का मतलब जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। लिबरल्स क्या चाहते हैं बताओ, लिबरल्स चाहते हैं कि हमें अधिकार मिले और जब उनको दिया जाए, देखो लिबरल्स को चार चीजें तुम्हें बताई गई हैं, कौन कौन से बताई गई बताइए, कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स, रिवोल्यूशनिस्ट, नेशनलिस्ट, कौन कौन से बताए गए, लिबरल्स, नेशनलिस्ट और रिवोल्यूशनिस्ट, रिवोल्यूशनिस्ट। इनको क्या चाहिए बोलो, मोर राइट, और इन्हें क्या चाहिए बोलो, किंग्स रूल, इन्हें क्या चाहिए, और ये नेशनलिस्ट क्या चाहते हैं, दैट इज नेशन, नेशंस फ्लैग, नेशन के राष्ट्र का और राष्ट्रगीत का सम्मान हो क्या, और रिवोल्यूशनिस्ट हमेशा आंदोलन, रिवोल्ट। लिबरल को अगर तुमने झंडा दे दिया तो क्या करेगा, उस पर रख के समोसा खाने। लिबरल्स आर ऑलवेज एरोगेंट, वो चाहेगा राष्ट्र का अपमान हो जब तक मुझे आखिरी अधिकार ना मिल जाए, इतना अधिकार ना मिल जाए कि मेरे डंडी कोई घुमाने से चार लोग मर ना जाए, उतना अधिकार चाहता है। तो यहाँ लिबरल्स आर ऑलवेज एरोगेंट लिखा गया है। पहला देखो, वी वोटिंग, वी वोटर्स आर एंग्री क्योंकि नोटा, नॉट गोइंग टू वोट एनीबडी, नोटा जानते हो ना एक ऑप्शन होता है वोटिंग में कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, वोट कर रहे हैं लेकिन किसी को नहीं जाएंगे, हम वोट देना चाहते हैं लेकिन कोई काबिल है नहीं, तो वो नॉट ऑप्टिंग टू वोट एनीबडी। नोटा एक ऐसा भी बटन होता है उसमें कोई निशान नहीं होता, खाली बटन, हमने वोट तो कर दिया लेकिन किसी को नहीं दिया, सब बेकार, सही है। दूसरा लिबरल, तीसरा क्या है, वी हैव ब्रोकन अवर ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, हमारा सरकार से भरोसा उठ गया है। चौथा देखो, दे स्टोल अवर मनी, तो क्या भ्रष्टाचारी भी होते हैं। अगला देखो, अगर अभी वो बटन दबा देंगे जो वोट करना है तो गवर्नमेंट में कौन इलेक्ट होगा, इलेक्ट नहीं होगा, उनका वोट दर्ज हो जाएगा कि वोटिंग परसेंट 100 रहा लेकिन 60% लोग नोटा के हैं, अगर लोग नोटा वालों को खुश कर दें तो वो जीत सकते हैं, वो वोट देना चाहते हैं बट कोई इस काबिल नहीं है। तो अगर कोई आदमी नोटा वालों के लिए जो अभी सेटिस्फाइड नहीं, कोई बहुत ईमानदार पढ़ा लिखा आ जाए तो क्या नोटा वाले उसे वोट नहीं कर देंगे, वो करना चाहते थे लेकिन 40% लोगों ने अलग अलग पार्टी को दिया, कई कई जगह नोटा बहुत बड़ी संख्या है, वोट लोग कराते हैं लेकिन खाली, वो इतना ज़्यादा अंदर एग्रेसिव हैं, मन उनका खिन्न हो चुका है, बेचारे करें किसको करें, हम करना चाहते हैं, हमने अपने राइट का उपयोग किया लेकिन एक पार्टी सब बेकार, ऐसा हो सकता है ना। अगला देखो, सो ऑन June 28 वी आर गोइंग टू डू वॉट कैंडिडेट्स डू बेस्ट, कुछ कह रहे हैं हम तो उसे वोट देंगे कैनेडियंस, तो वी विल वोट जो हमारे कैनेडियंस के लिए अच्छा करे, वी आर गोइंग टू वोट देम बैक इन, कुछ लोग वापस लाना चाहते हैं, कुछ उसे वोट देना चाहते हैं जो अच्छा कर रहा, कुछ कह रहा सरकार ने हमको लूट लिया, सब अलग अलग तरीके से बात कर रहे हैं। तो यहाँ वोटर्स अलग अलग होते हैं इसीलिए वो अलग अलग वोट देते हैं और इसीलिए कोई एक पार्टी जीतती और दूसरी हारती, यही तो होता है कि नहीं, ये डेमोक्रेसी में होता है जो कि 30% की स्टेट में। अगले चित्र में देखो क्या हो रहा है, अगले में टीवी में क्या दिखा रहा है बताओ, इधर देखिए इसमें क्या दिखा रहा है, यूनिटी डेमोक्रेसी, सब अलग अलग बात कर रहे हैं, सबके पोस्टर लगे हुए हैं, कोई कहता है हम यूनिटी लाएंगे, राहुल गांधी कहते हैं मोदी आ गए तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा, सब अपना कर रहे हैं प्रोपेगेंडा, कुछ क्या कर रहे हैं, ट्रेड फॉरेन कोलैबोरेशन, हम ट्रेड बढ़ा देंगे, वी हैव पैसेंजर कार्स, हम कंप्यूटर ले आएंगे, ये सब है चुनावी मैनिफेस्टो, चुनावी घोषणा पत्र, इलेक्शन मैनिफेस्टो, चुनाव से पहले नहीं कहते हम लैपटॉप बांट देंगे तो स्कूटी दिला देंगे, वो है सब अपनी अपनी तरफ से कर रहे हैं सर, साइड में न्यूज़पेपर इसमें लिखा है 50 ग्लोरियस,
50 ग्लोरियस ईयर्स टू रिमूव पॉवर्टी, नाउ वी आर डिटरमाइंड, हमने ये किया है और हम ये करेंगे, नाउ वी आर डिटरमाइंड, नीचे क्या लिखा है, नाउ वी आर डिटरमाइंड टू रिमूव पॉवर्टी, ध्यान नहीं दे रही हो निष्का, वी आर डिटरमाइंड टू रिमूव पॉवर्टी, हमने ये किया है, दस देयर इज ए स्पेक्टेकुलर प्रोग्रेस, हमने बहुत प्रोग्रेस कर लिया है और अब हम क्या करेंगे बताओ, हम और करेंगे। लेकिन कौन है जो बैठा है? ये बैठा हुआ ही लक्ष्मण प्रसाद है, ये जो है जो हमारा द कौन सा टाइम्स ऑफ इंडिया में एक कार्टूनिस्ट था, उसने इसी कार्टून करेक्टर को लेकर के 60 साल तक बहुत कार्टून बनाया, ये बहुत फेमस कार्टूनिस्ट था द लक्ष्मण प्रसाद, तो उनका ये पेट कार्टून करेक्टर है, जैसे कोई सिंचैन नहीं बना देता है तो वो इसी आदमी को सब दिखाती है, कॉमन मैन है जिसके कपड़े भी फटे हुए हैं, वो बेचारा देख रहा है कि अरे ये सब क्या क्या बोल रहे हैं टीवी में, हमें तो कभी कुछ मिला नहीं, हमारे तो कपड़े फटे हुए हैं, तो क्या ये थका हुआ महसूस नहीं करेगा? सर वो सो रहा है, वो सो रहा है। अदरवाइज भी जो कार्टूनिस्ट थे हमारे यहाँ के फेमस, जो आर के लक्ष्मण, उनको नोबेल प्राइज भी मिला है, डेथ हो गई 80 साल में डेथ हो गई, उनका ये कॉमन मैन का एक स्केच था, ये इसी को खड़ा कर देते थे कि सब कुछ बताया जा रहा है, बेचारा सोचा मेरा तो ये शर्ट फटा हुआ है, हमें तो कभी कुछ मिला नहीं और ये इतना बता रहा है टीवी, हमने ये प्रोग्रेस कर लिया, हम चांद पे पहुंच गए, तो ये कर लिया वो कर लिया, वो कह रहे हम अभी तो शर्ट फटी हुई है, हम कहा बहुत चीज कॉमन में समझ आए कि नहीं, अब हम ये करेंगे वो करेंगे, तो इस तरीके से दिखाएगा कि ये दिखाया गया कि हमने ये किया वो किया, लेकिन कहीं कुछ हुआ ही नहीं, इसके लिए तो कुछ नहीं हुआ, ये तो ऐसे ही स्ट्रगल करता रहा, इतना ही रखे। बोलो अभी भी क्या कह रहे हो? कैपिटल आएगा है? कैपिटल आएगा, स्टेट और कैपिटल आएगा, और कुछ नहीं है। ओके।